अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सब दोस्तों को अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो काफ़ी सारे दोस्तों को ये दिक्कत पेश आ रही थी बिनास के ऊपर, तो आज हम बिनास के ऊपर पेश बात करने वाले हैं। वो क्या रीज़न था? वो ये रीज़न था कि अक्सर हम अब क्या करते थे, जब हम अपने USDT या TRX या कोई भी कॉइन्स, कोई भी यानी करेंसी को अगर हम एक्सचेंज करने की कोशिश करते थे, तो हमें वहाँ बायर और सेलर नज़र नहीं आते थे। अपनी मर्ज़ी से कोई रेट लगा के बिनास की जानिब से हमारे USDT या ATC जो भी करेंसी था वो हमसे बाय कर लिया जाता था। मैं भी काफ़ी दिनों से ये परेशान था, तो अब इसका मसले का हल जो है मेरे पास आ चुका है, तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों को वीडियो के अंदर बयान कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप P2P पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास $31 है। अगर मैं सेल USDT कर देता हूँ, मेरे सेल हो जाते हैं, मुझे कोई पता नहीं है कि क्या रेट लगा है इनका। अगर आप ये जानना चाहते हैं, अपने बायर से रब्ता करना चाहते हैं या सेलर से, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, एक्सप्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने क्या करना है, P2P पर क्लिक करना है। जैसे आप P2P पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास सारे सेलर और बायर सारे आ गए हैं। तो मैं सेलर पे क्लिक करता हूँ, सेल पे, तो यहाँ पे सेल मेरे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी पैसा है, वहाँ पे हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। यहाँ पे सारी चीज़ें, रेट वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने लिख दी हैं। तो अब हमने क्या करना है, जिस भी बंदे को हमने बेचने हैं यानी सेल करने हैं, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ठीक है, तो ये तरीका कार है यानी अपने बायर और सेलर से रابطہ करने का। अगर मज़ीद आपको किसी चीज़ में परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे रابطہ कर सकते हैं।